कोरोना महामारी कोविड 19 ने लेने सरकार ने गाइडलाइन मुजब सिनोरना सादलीनी मदीना मस्जिद में सैनिटाइज करवामां आव्युं। उपरांत परिवार थी बचावी शकाय अने परिवार ने पण बचावी शकाय ते माटे मास्क फरजियात पहेरो, सोशल डिस्टन्स जाळवी, सैनिटाइज नो उपयोग करवामां आव्यो छे अने पोताना घरनी बहार जवानुं टाळवा धार्मिक स्थळोने सैनिटाइज करवामां आवी रह्या छे। वडोदराना सिनोर तालुकाना सादली गामनी मदीना मस्जिदमां आज रोज सैनिटाइज करवामां आव्यो। मदीना मस्जिदनी कमिटी द्वारा मुस्लिम बिरादरोने सूचना आपवामां आवी कि શુક્રવારે જુમ્માની નમાઝ પઢવા આવનાર મુસ્લિમ બિરાદર માસ્ક ફરજિયાત પહેરીને જ અને પોતાના ઘરેથી જ વજુ હાથ પગ ધોઈ પોતાના રૂમાલ લઈ મસ્જિદમાં આવે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખી ને ધ્યાનમાં લઈને નમાઝ પઢે। 60 વર્ષના ઉપરના મસ્જિદમાં દાખલ થવું નહીં, નાના બાળકોને મસ્જિદમાં લાવવા નહીં, સરકારને નિયમોનું પાલન કરવાની સૂચના મદીના મસ્જિદની કમિટી દ્વારા કડક શબ્દોમાં મુસ્લિમ બિરાદરોને આપવામાં આવી હતી। वरकातुहू 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन की इब्तिदा हुई और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें धार्मिक स्थल बंद किए गए। उस वक्त भी सादली मदीना मस्जिद और आसपास की तमाम मसाजिद जो है बंद रही। 1 जून से लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उसके बाद से सादली मदीना मस्जिद के ने जो है सरकार के आदेश अनुसार मस्जिद के अंदर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा जो है सैनिटाइज एक एक कोने में करवाया और मस्जिद के अंदर नमाजियों में 60 बरस की उम्र के लोगों को जो है आना बंद किया गया और छोटे बच्चों का आना मस्जिद में बंद। और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की दूरी पर नमाजी नमाज अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का सरकार के आदेश का जो है चुस्त तरीके से यहाँ पर पालन किया जा रहा है।